बच्चों को गोली मारने के लिए आए थे, माँ को गोली चली गई। वो कहते हैं ना कि माँ हरदम अपने बच्चों की रक्षा करती है। यही वो घर है जिस घर पर दो गोलियां लगातार मारी जाती हैं। पहली गोली यहां से मारी गई थी, दूसरी गोली यहां पर मारी गई थी, जिसकी वजह से इसी मकान में रहने वाली एक महिला जो है वो इस वक्त दर्दनाक हालत में अस्पताल में भर्ती है। दो लड़के आए स्कूटी पे, उन्होंने कुछ बात नहीं करी, चीत नहीं करी, सीधा आके गेट पे गोली चला के वो तुरंत फरार हो गए। वो आंटी सामने थी, गेट के सामने बैठ है, वहाँ पे लेटी हुई थी, उनके लग गई गोली। गोली की आवाज आपने सुनी थी क्या? हाँ जी सुनी, आवाज आई तो हम लोग आए ऊपर ग्रिल से देख रहे थे तो आवाज आई थी। कोई सीसीटीवी में कोई फुटेज यहाँ रिकॉर्ड? सीसीटीवी तो यहाँ ये लोकल कॉलोनी, यहाँ कोई सीसीटीवी लगता ही नहीं है, लगाता ही नहीं है घर में। सर यहाँ के तो पुलिस वाले ही ऐसे हैं, वही कुछ नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलक दिल्ली। आज आपको एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। राजधानी दिल्ली के भलसवा इलाके में हम खड़े हैं, श्रद्धानंद कॉलोनी ये है, और गली नंबर 3 में बीती रात 12 बजे गोलियां चल जाती हैं। यही वो घर है जिस घर पर दो गोलियां लगातार मारी जाती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, पहली गोली यहाँ से मारी गई थी। अब देखिए ये पूरे इलाके में, इस पूरे एरिए में हॉल हो चुका है। इस तरफ आप देखेंगे दूसरी गोली यहाँ पर मारी गई थी, जिसकी वजह से इसी मकान में रहने वाली एक महिला जो है वो इस वक्त दर्दनाक हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। पूरा परिवार इस वक्त अस्पताल में गया हुआ है। राजधानी दिल्ली में बीती रात ये गोली चली, जिस तरीके से ये गोली मारी गई है बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। फिलहाल के लिए पुलिस जांच में जुटी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये घर है और पूरा परिवार इस वक्त हॉस्पिटल गया हुआ है। पड़ोसियों से बातचीत कर लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला था। भैया क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? सर 11:30 बजे की बात है ये, दो लड़के आए स्कूटी पे, उन्होंने कुछ बात नहीं करी, चीत नहीं करी, सीधा आके गेट पे गोली चला के वो तुरंत फरार हो गए। वो बस यही था जी। इसके पीछे कोई वजह नहीं बताई? वजह तो अभी पता नहीं है, पुलिस ढूंढ रही है उन्हें। और जैसा बताया जा रहा है कि बच्चों को मारने के लिए गोली आए थे और माँ को लग, हाँ उनके लग गई। आंटी सामने थी, गेट के सामने बैठ है, वहाँ पे लेटी हुई थी, उनके लग गई गोली। तो गोली क्या बच्चों को मारने आए थे? हाँ शायद उनसे ही कोई आपसी रंजिश थी वो, लेकिन लग आंटी के गई गोली। सरेआम जब गोली चली उस वक्त क्या आप यहाँ पे थे? सर मैं अपने घर था, मेरे को आवाज आई, मैं तुरंत भाग के आया। तो गोली की आवाज आपने सुनी थी क्या? हाँ जी सुनी, 11 बजे हम आवाज़ आई तो हम लोग आए ऊपर ग्रिल से देख रहे थे तो आवाज़ आई थी। तो बहुत तेज आवाज़ आई, बहुत तेज आवाज़ थी। कितनी गोलियां चली हैं ये तो नहीं पता है, एक ही गोली की आवाज़ आई थी। डर है आप लोगों में जैसी ये घटना हुई? हाँ डर तो लगा था बहुत, रात को ही बहुत डर था। बाबा को कितना वक्त था और कौन कौन रहता था? इस टाइम था नहीं यहाँ पे, मैं इस टाइम था नहीं यहाँ। अच्छा, जिस तरीके से घटना सामने आई है, क्या लगता है ऐसी घटनाएं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्या क्या लगता है पुलिस की इसमें कोई गलती है? पुलिस की क्या गलती है, पुलिस तो बाद में आती है। अब कल शाम तक उनके गोली नहीं निकली, ये भी तो लापरवाही तो लापरवाही है। तो पूरा की पूरा जो परिवार है वो इस वक्त अस्पताल में? अस्पताल में से कौन कौन रहता था इस परिवार में, क्या कुछ पता है? जी दो भाई हैं, दोनों मैरिड हैं, एक अंकल आंटी और एक लड़की है बस। इनका अपना मकान? हाँ अपना मकान है इनका। कब से यहाँ पर रह रहे हैं? ये शुरू से ही रह रहे हैं, 10-12 साल से रह रहे हैं। इनका स्वभाव कैसा है? स्वभाव बिल्कुल सही है, किसी से लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं है इनका। अच्छा भैया, जब ये घटना हुई तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया होगा, उसके बाद क्या जो आरोपी थे वो फरार हो गए थे? जी फरार है। कितने लोग? दो लोग थे स्कूटी पे, हाँ और दो पीछे थे। तो कोई सीसीटीवी में कोई फुटेज यहाँ रिकॉर्ड? सीसीटीवी तो यहाँ ये लोकल कॉलोनी, यहाँ कोई सीसीटीवी रखता ही नहीं है, लगाता ही नहीं है घर में। क्या ये पहली घटना है इस इलाके में? ये लगातार यहाँ तो होती रहती है, ये भलसवा है ही ऐसा एरिया, ये तो यहाँ आम है ये बात यहाँ पे होनी। क्या लगता है प्रशासन को इसके लिए कोई कदम उठाना चाहिए कि आपके इलाके में इस तरीके की घटनाएं ना हो? सर यहाँ के तो पुलिस वाले ही ऐसे हैं, वही कुछ नहीं करते हैं। अगर वो चाहें तो ये क्राइम रुक सकते हैं, वो चाहते ही नहीं है। पुलिस वाले कोई कार्यवाही नहीं करते हैं? पुलिस वालों का कैसा रवैया रहता है? रवैया आने मतलब गोलियां वालियां चलने के बाद आते हैं तो उसका क्या होता है, या तो तुरंत कार्रवाई की जाए तो कुछ ठीक। कितनी देर बाद आए थे पुलिस वाले, कोई क्या कुछ बताया जाए? पुलिस 1 घंटे बाद आई थी जी, इस घंटे के 1 घंटे बाद जब हॉस्पिटल ले जा चुके थे आंटी को। हॉस्पिटल भी प्राइवेट ले जाया गया, वो सरकारी पुलिस वालों की तरफ से नहीं ले जाया गया।
हॉस्पिटल। तो कितना खून बह गया था, क्या कुछ ब्लीडिंग काफी हो गई है जी, गोली भी अटक गई है, कहीं निकली नहीं अभी। अभी सर्जरी चल रही है, सर्जरी चली है। क्या आंटी बच गई हैं या नहीं? बच गई हैं, अभी तो ठीक हैं, लेकिन सीरियस हैं। देखिए हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं, जिस तरीके से इस इलाके में ये पूरी घटना सामने आई है, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। एक बार मैं फिर आपको दिखाऊं, यही वो मकान था जहां पर वो रहती थी, क्या नाम था उनका? उनका नाम तो नहीं पता जी, हम तो आंटी बोलते थे शुरू से। नाम उसका, आदमी का क्या नाम? हरी, हरी नाम था, हरी सिंह नाम बताया जा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यही गेट था, गेट के इस पार वो लोग गुंडे खड़े थे, वो लोग खड़े थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया और यहाँ से गोली मारी गई। आप देखिए पूरा की पूरा जो दरवाज़ा था उसे छल्ली कर दिया गया। इधर आप देखेंगे यहाँ पर गोली मारी गई, यहाँ पर भी छेद हो गया है। बच्चों को गोली मारने के लिए आए थे, माँ को गोली चली गई। वो कहते हैं ना कि माँ हरदम अपने बच्चों की रक्षा करती है, वो गोली जो बच्चों को लगनी थी वो माँ को लग गई और जो माँ है वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है, गंभीर हालत में है। उनके हालात ऐसे नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, वो कुछ चल पाए। पूरा की पूरा जो परिवार है वो अस्पताल में गया हुआ है और फिलहाल के लिए ऑपरेशन चल रहा है। पीछे की क्या वजह है ये देखने का विषय होगा, बताया जा रहा है। पुलिस ने अभी किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्यवाही करती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है, क्या आपको लगता है देश की राजधानी में जिस तरीके से लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, डकैतियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, लगातार पिस्तौल उठाकर किसी पर भी गोली मार देना क्या ठीक है? क्या किसी को भी पिस्तौल दे देना सरकार जिस तरीके से दे देती है, या अवैध तरीके से जो लोग पिस्तौल रखते हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही सरकार को करनी चाहिए, प्रशासन को करनी चाहिए, पुलिस को क्या कुछ करना चाहिए, वो आप अपनी राय बताएं। इलाके के लोगों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन एक घंटे बाद आया, यानी कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में सक्रिय नजर नहीं आया। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को आप दिल्ली के जो सीपी हैं संजय अरोड़ा तक पहुँचाइए ताकि व्यवस्था में सुधार हो पाए और ऐसी घटनाएँ जो होती हैं आए दिनों उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लग पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, देखते रहें झलको दिल्ली।